हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव निब्बा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अलसी के फायदे। भूरे काले रंग के या छोटे छोटे बीज हृदय रोगों से आपकी रक्षा करते हैं। इसमें उपस्थित घुलनशील फाइबर्स प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करता है। इससे हृदय की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। नतीजतन हार्ट अटैक की संभावना नहीं के बराबर होती है। दोस्तों, अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त प्रवाह को बेहतर कर खून के जमने या थक्का बनने से रोकता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। यह रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक है। दोस्तों, यह शरीर के अतिरिक्त वसा को भी कम करती है, जिससे आपका वजन कम होने में सहायता मिलती है। दोस्तों, अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करती है, जिससे त्वचा पर झुर्रियां नहीं होती और कसाव बना रहता है। इससे त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनती है। दोस्तों, अलसी में अल्फा लाइनोइक एसिड पाया जाता है, जो आर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। खास तौर पर क्रोन कैंसर से लड़ने में सहायक होता है। दोस्तों, सीमित मात्रा में अलसी का सेवन खून में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इससे शर्करा के आंतरिक भाग स्वस्थ रहते हैं और बेहतर कार्य करते हैं। दोस्तों, इसमें उपस्थित लाइगन नामक तत्व आंतों में सक्रिय होकर ऐसे तत्व का निर्माण करता है, जो फीमेल हार्मोन्स को संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अलसी के तेल की मालिश से शरीर के अंग स्वस्थ होते हैं और बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। इस तेल की मसाज से चेहरे की त्वचा कांतिमय हो जाती है। दोस्तों, शाकाहारी लोगों के लिए अलसी ओमेगा 3 का बेहतर विकल्प है, क्योंकि अब तक मछली को ओमेगा 3 का अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसका सेवन सिर्फ नॉन वेजिटेरियन लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह शाम 1 चम्मच अलसी का सेवन आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसे पीस कर पानी के साथ भी लिया जा सकता है। अलसी को नियमित दिनचर्या में शामिल कर आप कई तरह की बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। साथ ही आपको डॉक्टर के पास जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।